स्टूडेंट को देखना कि वो क्या कर रहे हैं, ये तीन चीज, और चौथा क्या है कि वो क्या नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं करने में क्या चीज आएगा, आपने कहा वीडियो में बताया गया कि आपको लाइन टूल खींचना है, तो मतलब लाइन टूल खींचना है, ये नहीं कि आपने रेक्टेंगल लेके पूरा या स्टार लेके स्टार को ड्रैग कर दिया, ये नहीं। अगर ऐसा कोई करता पकड़ा गया है करता रहा उसको डांटिए कि आपको लाइन टूल के बारे में बताएगा तो आप लाइन टूल ही कीजिए। आ रहा है सबको समझ में, यहाँ पे आप एक दूसरे का हेल्प करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे और जाके अपनी जगह पे क्लास को चला पाएंगे। अगर आप इनकी फॉलो नहीं करेंगे तो जब आप वहां बैठेंगे ना तो ये आपकी बात को फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन आपने खराब किया। आ रहा समझ में सबको? अगर वीडियो चल रहा है कि लाइन ही बनाना है तो आप इनका आपका काम है कि आप इनको हेल्प करो। अगर आप नहीं करोगे तो जब आपका टर्न आएगा ना आप बैठोगे तो कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्लास बे फ्लो में जाएगी, बिना फ्लो में चलेगी। फ्लो में चलाने के लिए क्या है, हम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तभी बाकी कोई डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। और आपको हर एक लाइन पे बोलना है, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टूडेंट का लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर है तो आप दो लाइन खिंचवा लीजिए, ब्रेक करवा लीजिए, वीडियो रोकिए, आपको इतना कहना है बस, जैसा वीडियो में बताया गया दो लाइन ब्रेक करना है, ड्रैग कीजिए, सबको देखिए ड्रैग नहीं कर रहा, उससे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हो, अगर आगे बढ़ गया तो उससे पूछिए आगे कैसे चले गए, आपको जितना बताया जा रहा है उतना कीजिए, आप साथ में चलना है, एक आगे चला गया पांच पीछे रह गए तो क्लास का उससे फ्लो खराब होता है। हाँ, जिसको आ रहा है उसको आने दीजिए, वो बना सकता है, लेकिन उनसे ये कहिए कि क्लास को डिस्टर्ब ना करें, उस स्टूडेंट से कहना है कि क्लास को डिस्टर्ब ना करें। बना लिया ठीक है, अच्छी बात है, बना लिया, अब बैठ जाओ, दूसरा उसी को प्रैक्टिस करो दोबारा बना के। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख किसी कहां से ऐसे इस वाले लाइन को मिला दें, उसके बाद यहां पे रखें अपने कर्सर को और यहां पे ऐसे लाइन को खींच देंगे जैसे कि जैसे अब आपका ये स्टार का चित्र बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी का बन गया होगा लगभग, सबने बना लिया है, किसी की किसी को प्रॉब्लम है अपने टीचर से पूछें। सर आपको समस्या है, सर आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? इनका प्रॉब्लम है सर कि लाइन नहीं ड्रैग कर पा रहे हैं, इनके स्क्रीन पे कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है। बैठा नहीं, ये सारा प्रॉब्लम आपके लिए इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि ये क्लास में प्रॉब्लम आ रहा है। इनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सबको, ये क्या प्रॉब्लम है? सिलेक्शन कुछ इस टाइप का इनका प्रॉब्लम है। ये इनका प्रॉब्लम है, दिख रहा है आपको ये बॉर्डर, और ये जो पॉइंटर है जो कर्सर है हमारा ये फोर एडिट एरो बन गया है, ये सेलेक्ट कर लिया लाइन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया ऐसा कि ये ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, क्या चीज इसको ठीक करेंगे ताकि ये ठीक हो जाए? आंसर ठीक बता रहे हैं, आप भी ठीक बता रहे हैं, सबको आंसर बताना है। अगर आप नहीं बता पा रहे हो दूसरी की बात को सुने कि वो क्या बता रहे हैं और उसको कैच करके उसको ठीक करके आपको अपने माइंड में रखना है, ये चीज हुआ है इसको ऐसे सॉल्व किया, ठीक है? ये भी सोचना है कि उन्होंने बता दिया है उनको आता है हम छोड़ो हम तो पीछे नहीं, उनको आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा है,
आपको खुद से पूछना क्यों नहीं आ रहा है, आप उनकी बात तो सीखिए, आगे बढ़िए, यहाँ भी सिखाया जा रहा है, सब लोग साथ में आइए, है ना, हम सिखाने के लिए हैं, हमारे पास 8 दिन है, ठीक है, एक एक पॉइंट को सीखना है, सर समझ में आ गया ये चीज कैसे ठीक करेंगे, आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको समझ में आ गया कैसे ठीक करेंगे इसको, सेलेक्ट करने से हुआ है, अब अनसेलेक्ट करेंगे, कहां से अनसेलेक्ट करेंगे, यहां से, सबको समझ में आया, 480 एरो बना हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने हेल्प किया आपको, बताया क्यों, इन्होंने भी बताया, आप लोगों ने पूरा कैच कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसे काम करना है आपको, यहाँ पे मिलके एक आंसर मिला परफेक्ट वाला, उसको सुन लीजिए, सब लोग उसको ठीक कर लीजिए, साथ में आगे बनिए, चलिए प्ले कीजिए, आगे ले कीजिए, पीएलसी मीडिया प्लेयर, आपका ये अंकित बन जाएगा, अब पूछिए सबने बना लिया ना, आप बना लिया भैया सबने, आप चेक कीजिए, चेक आपको करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, जब सारे क्लास में स्टूडेंट चित्र बना लेंगे, अब क्या बोलेंगे आप उनको करने के लिए, सबने बना लिया, अगर मान लीजिए किसी ने नहीं बनाया, उसको बताएंगे आप, दोबारा बनवाएंगे, उसके बाद अगर उसने भी बना लिया, इरेजर से मिटवा देंगे, क्यों, क्योंकि हमने अभी इरेजर को ही फॉलो किया है, ठीक है, चित्र को मिटवाएंगे, डिलीट करवाइए, सर आप बोलते रहिए सबको, जैसे आप सभी बोलते रहते हैं कि हाँ बोल क्लास ले, आप मेरी कोई क्लास साथ में लेके चलना है, तो कर्पूजा में सकते हो कि सभी समझदार हैं, तो बच्चों में अपने आप नहीं, आप ही बोलो, इनको इमेजिन कर लीजिए कि वो बच्चे ही हैं, इमेजिन कर लीजिए, बड़ा है तो छोटा कैसे, आप अपना क्लास ले रहे हो, इरेजर बड़ा है तो कैसे छोटा होगा, है ना, पता कर लीजिए, गलत है नहीं, इरेजर छोटा करना है, इरेजर बड़ा है, हाँ देखिए एक चीज साफ सोचिए कि हम इतने लोग हैं, स्टूडेंट लोग, एक आदमी अगर 40 लोग को पढ़ा रहे हैं, 40 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, सोचिए हम कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अमेजिंग करके देखिए, और कौन से बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, जिनके पास घर में सब कुछ है वो तो है, जिनके पास नहीं है हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दो दिन में 40 बच्चे, यानी कि अगर 6 बैच चला रहे हैं आप, तो अकेला एक दिन में 240 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वीक में आप काउंट कर लीजिए कितने बच्चे को पढ़ाएंगे अकेला, इस चीज को चल के सोच के हमें करके करना है, और उसको क्या करना है, हाँ ऐसे कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, जब वो एक चीज बना ले बहुत अच्छा, वेरी गुड, उससे क्या होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं कर सकता हूँ, तो सबको ऐसे बनाना है क्लास को, ठीक है, नेक्स्ट इमेज में आपका पूरा प्रोग्रेस चाहिए मेरे, अगला चित्र जो भी आएगा पूरा एफर्ट होना चाहिए, खास तौर से उस बच्चे को क्या जरूरी है, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, अगर वो कर लेता है उसको मोटिवेट करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए, प्ले कीजिए, पूरा फॉलो, सब लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे बता सकते हैं कि इस चित्र को कैसे मिटाएंगे, आप बता सकते हैं सभी, जी हाँ, पूछिए किसी एक से खड़ा, उनको बोलिए आप बताइए आंसर, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे, पर फिर डिलीट कर देंगे, बेसिक वाला आप तरीका बताइए, जो अभी तक आपको बताया गया है, रेजर भी बताया, सेलेक्ट बता दीजिए, सेलेक्शन रूल बताया, ठीक है अच्छी बात, आपको बताया ना कि क्या आंसर है, आप उनको बताइए, अगर आंसर अच्छा है, इमेजिन कीजिए छोटा बच्चा है 5th-8th का, उसको बोलिए आप, चलिए आगे, इस चित्र को भी आप बताए गए तरीके से मिटाएं, इस चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं, जैसे भी हमें मिटाया था ना, तो आप आपको जाके चेक भी कर सकते कि आप मिटा सकते हो नहीं मिटा सकते हो, इनके मान लो कि मैंने बोला कि मुझे नहीं आ रहा मिटाना, वो तो प्रत्येक चीज में जाकर चेक कर लेंगे,
अभी देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ, यहाँ पे मिटाने का भी तरीका नहीं दिया हुआ, नहीं था ना, यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट इमेज आ गया है क्योंकि हमने पैरेंट को एक्सप्लेन कर दिया। अब हो जाता है कि बच्चे पहली बार में ना सीखे। अभी मानो कि मैं हूँ, मैंने ड्रॉइंग बनाया, पहली बार मेरे को समझ में नहीं आया, अब दूसरी बार बोलो कि आप सिलेक्शन टूल से उस इमेज को मिटा के दिखाओ और यहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड इमेज आ गया, तो अब मेरे को पता नहीं कि मैं कैसे मिटाऊंगा, तब आपको बताना होगा, आप उनको प्रैक्टिकली करके दिखाओगे, ठीक है, बन जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चित्र को कैसे मिटाएंगे? इस चित्र को भी आप बताए गए तरीके से मिटाएं? इस चित्र को देखें और बताएं इस चित्र को क्या कहते हैं? आप बताइए सर, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप ऐसे बोलोगे अलग अलग इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा, जिनसे क्वेश्चन करोगे वो अलग अलग प्रकार का आंसर देंगे, तो अगर आपको पता है कि ये क्या है आप उनको बता दो, नहीं तो वीडियो में दिया हुआ है कि आप आगे वीडियो में देखते, आइए वीडियो में देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, किस तरीके से देखिए वीडियो देखिए। यह चित्र पेपर प्लेन का है, क्या आप इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं आप सभी लोग? हाँ वो आगे तरीका दिखा रहे हैं बनाने के, कोई नहीं ठीक है, अभी एक पहली क्लास है, टाइम लगेगा, कोई नहीं, अब दूसरी क्लास। इस चित्र को कौन से टूल की मदद से बनाएंगे?